गुड मॉर्निंग क्लास टू एंड वेलकम टू ऑल इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। वी आर डिस्कसिंग हियर द नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 7, दैट इज मल्टीप्लीकेशन विद रीग्रुपिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज रीग्रुपिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इन विच वी विल डिस्कस अबाउट रीग्रुपिंग वंस। ठीक है, हाउ वी मल्टीप्लाई बाय रीग्रुपिंग वंस नंबर। ठीक है, so any number that is multiplied, you have to multiply one by regrouping of one. So one example is given here that there are four notebooks. How many notebooks are there? Four. Each notebook has 24 pages. Now how many pages are this in all? So what question is saying here? So step wise solve करेंगे. There are four notebooks. नंबर ऑफ नोटबुक कितना है आपके पास? फोर है ना। देखिए आप लोगों को मैंने टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे जो, तो आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को आप सेंटेंस लिख के ही सॉल्व करना है। यू कैन नॉट डू द वर्ड प्रॉब्लम डायरेक्टली, यू हैव टू राइट अ प्रॉपर सेंटेंस फॉर दैट। नाउ ईच नोटबुक हैज 24 pages. Now, number of pages is 1 notebook is equal to 24 pages. यानी there are 4 notebook. कितने notebook है? 5, 4 notebook है. Each notebook has 24 pages. यानी हर एक notebook में कितने pages हैं? 24. पूछा क्या आपसे? हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ऑल? देयर टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 4 नोटबुक। अब 4 नोटबुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे आपको पता है? एक नोटबुक में कितने हैं? 24 नोटबुक कितनी है? 4 है ना। क्या करेंगे हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करके देंगे 24 इंटू 4 है ना, ये हमारा 1 क्या हो गया? 10 है ना। देखिए आप यहाँ पे 1 की रीग्रुपिंग सीख रहे हैं ना, यानी 1 की रीग्रुपिंग का मतलब क्या? देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना होगा? 4 इंटू 4 हमारा होगा कितना? 16 होगा। यानी ये 1 और ये 10 है ना। तो जब भी ऐसे आता है तो क्या करते हैं हम? टेंथ लिखते हैं, वंस कहाँ चला जाता है? कैरी टू द नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट प्लेस वैल्यू। तो ये जो वंस कैरी जाता है इसी को हम क्या, इसकी रीग्रुपिंग बोलते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसकी रीग्रुपिंग बोलते हैं। तो 4 से कितना होगा? दैट इज 16, कैरी 1 हियर। तो ये जो 1 इधर आएगा इधर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 4 + 16, 16 + 6 कैरी 1। नाउ 4 + 8 + 1 = 9। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे आपके? 96 पेजेस। कितने हो जाएंगे? 96 पेजेस हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? रीग्रुपिंग ऑफ वन का एग्जांपल। ठीक है, रीग्रुपिंग ऑफ वन का क्या हो गया? ये आपका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, देखिए कैसे किया इसको मैंने एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको दो स्टेप में कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप वन देखिए क्या था, 24 × 4 है ना, ये 1 था और ये 10 प्लेस। नंबर की प्लेस वैल्यू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्लियर हो जाता है जो प्रॉब्लम। 4 × 4 = कितना हो? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 × 4 = 16 कैरी 1। ठीक है, स्टेप टू में क्या करेंगे हम? 24 × 4। ठीक है, 4 × 4 ऑलरेडी 16 आया हुआ था, यहाँ कैरी 1 ऐड होगा। 4 + 8 + 1 = 96। जो आपको फाइनल आंसर आएगा दैट इज 96 पेजेस है ना। यहाँ आपने क्या किया? वंस को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ क्या किया? 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है ना। 1 by 1 आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। जो आपका 1 कैरी आ जाए तो वो 10 में ऐड हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीग्रुपिंग ऑफ 1। राइट डाउन इन यू कॉपी, आई विल टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now same type of question again in front of you all. This time that is regrouping ones and tens. Now it is an example of regrouping of ones and ten boards. Now what is the question? It is Onam, ठीक है? Onam is a festival of South states, ठीक है? And it is Onam. A boat race is held, है ना? Now a boat race is held. क्या है? Boat race होती है Onam में, ठीक है? और उसमें क्या है? There are six people in a boat, ठीक है? ये यानी कि एक boat race हुई और उसमें total कितने हैं? Six people in a boat, यानी एक boat में देखिए जो एक boat है उसमें कितने पीपल हैं? Six people. So there are 26 boats, है ना? Total कितने boats हैं? 26 boats. पूछा क्या है आपसे? अगर एक नाव में 6 आदमी हैं तो 2 नाव में कितने हो जाएंगे? 12. 3 नाव में कितने हो जाएंगे? 18. क्या है? प्लस प्लस होता जाएगा या उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. पूछा क्या आपसे? हाउ मेनी पीपल इन ऑल आर टेकिंग पार्ट इन द रेस. तो टोटल आप देखिए क्या पूछा है आपसे. पहले जो इसका वर्डिंग लिख लीजिए, सेंटेंस लिखिए. वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम प्रॉपर लिख के सॉल्व करेंगे. तो पूछा क्या आपसे? अ बोट दैट इज हेल्ड, देयर आर सिक्स पीपल इन वन बोट. आप लिखिए नंबर ऑफ people in one boat is equal to 6, है ना? Number of boat is equal to number of boat कितने हैं आपके पास? 26. तो total number of people कितने हो जाएंगे? Total number of people taking part in race is equals to एक नाव में कितने थे? 6. टोटल नंबर नाव कितने हैं? 26. तो क्या हो जाएगा? 6 × 26. तभी ना पता चलेगा कि कितने लोग हैं टोटल. मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेंस मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखिए वन और टेन बोथ की ग्रुपिंग है, यानी 26 × 6, है ना? ये वन प्लेस है और ये हमारा टेन प्लेस है. फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? वन प्लेस को वन प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 का कितना होगा? सॉरी 6 का कितना होगा? 36, है ना? अब देखिए ये वन आ गया, ये टेन आ गया. इससे पहले जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया था कितना था? 16 आया था. यानी 1 और 6 वो क्या था? एक वन था और एक टेन था, जिसमें वन यहाँ पे क्या देखिए टेन है. देखिए यहाँ पे कितना आ रहा हमारा? 1 6 आ रहा और 10 3 आ रहा है ना. तो ये क्या हो गया आपका? रिग्रुपिंग ऑफ टेंस हो गया. 6 का कितना होगा? 36. इसका वन लिखेंगे, 10 किधर चला जाएगा? 10 चला जाएगा. तो 6 × 36, ठीक है? अब वन हमारा नेक्स्ट कैरी आ जाएगा किसमें? 10 प्लेस में, ठीक है? सेकेंड स्टेप ये देखिए आप क्या करेंगे. अगेन 26 × 26, 6 यहाँ पे आपका आया हुआ था, ये 10 से ये 1 से इधर कैरी कितना आया है? 3, ठीक है? 3 का कितना है? 6 × 36, वहाँ पे 6 का कैरी इधर आ गया 3. 6 × 12 + 3 कितना आ जाएगा? 6 × 12 + 3 = 15. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रेस में पार्टिसिपेट करेंगे दैट इज 156. कितना हो जाएगा? 156, ठीक है? सो दिस वॉज द प्रोसीजर ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड ग्रुपिंग वंस एंड टेंस, ठीक है? ऑल यू हैव टू डू, you have to complete exercise 7.3 for your homework, and I think your this chapter is also completed. You have to also complete mental math and worksheet questions, ठीक है? That is given on page number 170, ठीक है? So just complete all your work, and if you face any kind of doubt, any problem in any question till here in any chapter, then you can ask me, ठीक है? Complete your work. Take care.